गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूब सोनी व्लॉग्स में। और अभी जो है अरे 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 हेलो गुड इवनिंग। अरे हाँ, ले दिखा दे तो सबको दिखाओ फिर सबको दिखाओ ना। हिमांग कुछ दिखा रहा है, ये देखो हमें पार्सल रिसीव हुआ था दोपहर को। हाँ दोपहर ही हो गई थी जब 11:30 हो गए तो। हाँ बेटा, हाँ ये देख लो भाई, इसको खोलना है। तो ये पार्सल क्वारंटीन था, अभी हम इसको उठा रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, अरे हाँ देख लो भाई, सारे देख लो, इसको खोलें, इसको खोलेंगे, इसके अंदर क्या है वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अब इसको ना खोल देते, वरुण एक मिनट, मैं लेके आती हूँ बेटा कैची। तो कैची ले आते हैं, खोल देते हैं इसको अच्छे से। और इसमें मेरे हस्बैंड ने क्या मंगवाया, मुझे नहीं बताया, वो देख लेते हैं और क्वालिटी देखते हैं। पार्सल हमें रिसीव हुआ कौन से, मिंत्रा से है भाई, ये मिंत्रा से। एक मिनट रुक जा बेटा, इसमें ना स्टेपलर पिन लगी हुई है। हाँ मिंत्रा से है बेटा, वो दूर होता है। हाँ वो दूर होता है। अभी ना इसको खोल लेते हैं, कट कर ले भाई, कट कर ले। इमाम खा था टॉप ना, चोट लग जाएगी बेटा ऐसे। हाँ अरे वाह, शर्ट है भाई, ये देखो शर्ट आई है, शर्ट मिंत्रा से मंगवाई है, ये देखो। हाँ कैची रख दे बेटा, एक मिनट रुक जा, पीछे हो इमांक, ये देखो मिंत्रा। और शर्ट जो है कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके जो फोटो है अभी मेरे हस्बैंड को भेजने हैं, क्योंकि जब से सुबह से आई भी ना, तो मैंने तो इसको क्वारंटीन कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड के ना बार बार फ़ोन आ रहे थे, कब भेजोगी फ़ोटो, फ़ोटो भेज दो, कैसी है क्वालिटी, कैसी है जल्दी से चेक करो, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। इमांक वॉल्यूम कम कर बेटा, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई ना तो फिर इसको रिटर्न करना पड़ सकता है। तो मैं इसको एक बार खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ अभी जो ही शर्ट है ना, कैमरे में पता नहीं कैसा कलर आ रहा है, लेकिन ये ना थोड़ा बहुत ही लाइट कलर आ रहा है। हाँ पता नहीं, मैं खुद ये चेक करी थी, पता नहीं कैसा कलर आ रहा है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी थी इस, और साइज़ भी सही था एकदम। एक मैंने चेक किया, मतलब मेरे हस्बैंड आने के बाद चेक किया था, ये शर्ट जिस दिन आई थी उससे नेक्स्ट डे आए थे मेरे हस्बैंड, उसी दिन गए थे मॉर्निंग में ड्यूटी पर। तो क्वालिटी दे चेक करी थी मैं बार बार कि कैसा कपड़ा है, किस तरह का है भाई। मुझे मतलब इसमें ना कलर वो नहीं आ रहा, जैसा ये कलर था ना वैसा कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसकी दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच के देखती हूँ, लेकिन उसमें भी ना ऐसा ही कलर आ रहा था। और ये ब्लू ग्रीन, ये लाइन्स देख रहे हैं ना आप, ये 3-4 तरह की लाइन्स हैं। तो जैसे ग्रीन है, ब्लू है, थोड़ा सा है ना झलक आई, देखो दिख रहा है, जैसे उसको बार बार उठा रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी जो वो झलक आ रही है। फिर ये सारे चेक करने के बाद फिर मेरे को फ़ोन आ गया था, मेरे को जाना पड़ा मकान पे, और फिर वहाँ पे मुझे कुछ पेमेंट वगैरह करके आनी थी। और ये ऊपर जो है अंदर बाथरूम का काम चल रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे का कल, ये शाम तक अंकल ने जो है वो कंप्लीट कर दिया था, और फिर उसके बाद दूसरे काम में लग गए थे। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कहाँ पर कौन सा काम जो है वो चल रहा है। ये सारी फिटिंग्स वगैरह हो गई हैं, बस ऊपर की लिपाई का काम, प्लस्तर का काम रहता है, और फिर उसके बाद जो है जो मेन सजावट का काम होता है घर का, वो स्टार्ट हो जाएगा। पत्थर वत्थर का, या फिर आप बोल सकते हो पुट्टी वगैरह जो होती है वो काम शुरू हो जाएगा। और ये क्लिप है उससे नेक्स्ट डे की, और मैंने सारा दिन ना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, नेक्स्ट डे में ये इवनिंग की क्लिप है। और आप सोच रहे होगे कि ये उस दिन, क्योंकि ना मैंने खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, यानी 25 मार्च की क्लिप है, 25 मार्च की शाम की। तो ये कुछ बर्तन वगैरह थे वो मैं लगा रही हूँ, और फिर 2-3 बर्तन जो है वो साफ़ करने थे, चाय वगैरह के थे, और मतलब चाय में जो देकर आई थी मकान में वो वाले बर्तन थे, और घी बना के रखा हुआ था, वो घी मेरे को थोड़ा सा मतलब गर्म करना था ताकि मैं बना के डाल पाऊँ। और फिर ज़्यादा काम नहीं था, और फिर मतलब ऐसा हुआ कि खाना बनते 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 भाई हमने लास्ट में ऑर्डर किया खाना, प्लान चेंज होते रहे हमारे, बहुत कुछ हुआ।
सो गाइस ये व्लॉग जो है वो मैंने कल से स्टार्ट किया, लेकिन हाँ बेटा मम्मा मेरी बेटी नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगी, क्यों बिठाऊंगी, क्यों ये बता तूने। अच्छा ऐड ऐड बिना पूछे बता दिया, ऐड बता दे, तो बताइए क्या वो तो मेरे को भी बता, ऐड तो बता दे सबको एक बार। नहीं यार अच्छा तू यहीं बैठ जा, यहीं पे फाइन है, मैं यहीं खड़ी हूँ। सो गाइस ये व्लॉग जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है और पूरा जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो अभी सेकंड डे है और कल शाम को स्टार्ट किया था और अब भी जो है वो शाम हो गई है। और हाँ ये कुछ नहीं बेटा, मैं उठा दूँगी ठीक है। तो अभी जो है मैंने दिन में घी बनाया था, तो उस घी को मैं गर्म कर रही हूँ, दिन में मैं नहीं कर पाई, मकान पर चली गई थी, बहुत ज़्यादा काम था, तो अभी इसको गर्म कर रही हूँ और खाना वाना बनाऊंगी। और बच्चों को फिर क्या होता है वहाँ पे लेके जाते हैं तो मिट्टी में खेलते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको नहलाना पड़ता है, और जो मिट्टी के कपड़े हैं वो सिंपल पानी में से मेरे को तीन तीन चार चार बार अच्छे से धोने पड़ते हैं, तब बाद में मशीन में डाल दी ताकि उनका जो रेत है वो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। और अभी जो है आप सब लोगों को पता है कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, मतलब अभी होली आने वाली है, और मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की वीडियो देखी जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, वो आजकल जो है वो होली की तैयारियों में लगे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई रेसिपी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, कोई कुछ क्यों नहीं बना रही हूँ। मेरे साथ ना हर फेस्टिवल पे ऐसा ही होता है और मैं फील भी करती हूँ इस चीज़ को, वो क्यों फील करती हूँ क्योंकि घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना वो ऐसे ही नहीं होता है, बड़े बुज़ुर्ग की अहमियत ना बहुत ही ज़्यादा होती है घर में, जब फेस्टिवल होता है ना खासकर तब, या फिर हर चीज़ में जो होता है बड़े बुज़ुर्ग जो है वो बहुत मायने रखते हैं। नहीं बेटा से आप गिर जाओगे, एक मिनट। तो मुझे ना हर चाहे कोई भी फेस्टिवल है या फिर घर में कोई भी बाहर से कोई आता है ना, या दूसरे के घर में मैं देखती हूँ ना, जैसे कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उनके घर पे ना कोई बड़ा बुज़ुर्ग उनसे मिलने जुलने के लिए आता ही रहता है। और बड़े बुज़ुर्ग जब घर में होते हैं ना तो कुछ ना कुछ जैसे त्यौहार होता है ना तो वो बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ना मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं इस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। काश आज वो लोग ज़िंदा होते, हमारे साथ होते, नहीं है वो लोग दोनों, मतलब ना ही मेरे साथ ना मेरे ससुर, मतलब हिमांक और वरुण के दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को जानते भी हैं। और खासकर इस टाइम पे मुझे बहुत फील होता है, और फेस्टिवल के टाइम पे मुझे बहुत फील होता है, अगर वो लोग होते तो कितना अच्छा होता और है, बहुत ज़्यादा फील होता है इसलिए। और इसकी वजह से आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला, क्योंकि मैं जब से उन ब्लॉगर्स की वीडियो देख रही हूँ ना तो मुझे ये हो रहा है कि अगर मेरे घर में कोई बुज़ुर्ग होता तो मुझे ये बताता कि ये बना लो वो बना लो, क्योंकि बच्चों में ना मेरे को टाइम भी नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं बना पाती हूँ मैं, और रेडीमेड तो रेडीमेड होता है, घर पे बनाते हैं वो एक चीज़ अलग होती है। ये क्या कर दिया बेटा, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे कर दिया, चलो पीछे से लेके आओ, चलो जाओ। हाँ तो बस चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इमोशंस का टाइम यही है। सुना उसने कुछ बोला है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन तीन चार पांच दिन से ना यही प्रोसेस इसका चला हुआ, कुछ मतलब बोलता रहता है अपने आप में ही, जब हम बुलवाते ना तब नहीं बोलता, लेकिन कुछ वो बोलता रहता है, वो समझ नहीं आता है, लंबा बोल जाता है वो कुछ, और इसीलिए यही एक रीज़न आज मैंने वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि उन ब्लॉगर्स की वीडियो देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील होता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और वो लोग होते ना तो त्यौहार के टाइम पे दो लोग और एक्स्ट्रा फ़ोन आ गया, मेरे हस्बैंड का शायद, मेरा फोन गाइस। और ये आज थर्ड डे है जो मैं ये वीडियो इस व्लॉग को ना कंटिन्यू कर रही हूँ, दोपहर के बजे हैं, इसमें ना 12:22 का टाइम दिखा रहा है, लेकिन 10 मिनट 12 मिनट ये आगे है, तो 12:10 का टाइम हो गया होगा, अभी देखती हूँ फिर फ़ोन में। और थर्ड डे से ये व्लॉग कंप्लीट हो रहा है, 12:11 का टाइम हो गया, और कल तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कुछ चीज़ों को लेकर मैं, और
वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ मैटर करती हैं ये चीज़ें, लेकिन भगवान ने मुझे इन चीज़ों से दूर रखा है। मतलब ऐसा नहीं है, पहले वरुण का, हिमांग का दादा तो था, अभी 4 साल हुए उनको गुजरे हुए, दादी नहीं थी। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी फील होती हैं फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे, अगर या कोई फंक्शन होता है ना घर पे। और वैसे भी अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है ना, तो आस पड़ोस की लेडीज़ भी उनके पास उठती बैठती हैं और घर में चहल पहल सी रहती है। और यहाँ पे तो हम माँ बेटा ही हैं, हस्बैंड भी ज़्यादातर ड्यूटी पे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इस टाइम मुझे फील होता है। और आज है ना मेरा काम, सच कहूँ तो अभी फिनिश हुआ है सारा का सारा काम, अभी फिनिश हुआ। और अब भी ना सोफ़ों के कुछ कवर हिमांक ने उतारते हैं, कुछ अभी रहते हैं। और सुबह तिराई करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, रात को मेरे हस्बैंड आए थे और फिर सुबह बहुत जल्द, रात को आए थे 9 बजे और सुबह चले गए थे 5:30 बजे। तो आने के बाद ना आया, खाना वाना खाया, और कल जो है, कल थी 25 मार्च, आज 26 मार्च है, और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो हमने खाना वाना नहीं खाया था। कल खाना हमारा, हम जाने वाले थे बाहर, ये रोहतक से निकल के ना खेरी साथ के पास एक महाराजा है, नया खुला है, मतलब एक है यहाँ पे भी शिला बाईपास के पास, बट उसी की ब्रांच एक और वहाँ पे खुली है, वहाँ पे हमारी टेबल बुक थी, अब वहीं पर जाने वाले थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इवन वहाँ से बार बार फ़ोन भी आ रहा था, क्योंकि वहाँ होटल के जो ओनर हैं, ओनर शायद या मतलब पार्टनर जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता रियल, तो वो मेरे हस्बैंड के थोड़े मतलब नॉन में हैं, तो वहाँ से बार बार उनका भी फ़ोन आ रहा था, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर बोले कि लेट हो रहा है, 8:30 तक आऊँगा, 8:30 तक होते होते 9 बज गए। और फिर बोला नहीं, एक हम लोग तैयार तो थे वैसे तो, लेकिन फिर चलते हैं पिंड ब्लूची, यहाँ पे शिला बाईपास के पास पिंड ब्लूची भी है। तो फिर मैं कहा अभी 8:30 हो गए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हो, तो आते आते 9 बज गए। मैं कहा कब हम जाएंगे, कब हम वापस आएंगे, 12 बज जाएंगे इन चीज़ों में, 10:30, 11:30, 12:30 तो ज़रूर बजेंगे। तो मैं कहा नहीं जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, पिंड ब्लूची से मैंने ऑर्डर किया खाना, और तब हमारा खाना रास्ते में से मतलब पैक हो गया था, फिर आते टाइम मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने पिक कर लिया था, फिर लेकर आए हम लोगों ने रात को, लेट नाइट खाना खाया। फिर चलो भाई, वैसे ना मेरी ना एनिवर्सरी पे भी हमेशा ऐसा ही होता है, 24 नवंबर की ना उस दिन छोटराम जयंती होती है, और उस दिन कोई ना कोई मतलब ड्यूटी का वो रहता ही है। तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस वगैरह ना बहुत ही मतलब रेयर होने के चांसेस रहते हैं, और जहाँ बस बच्चों के जो बर्थडे है ना, सिर्फ बच्चों के बर्थडे, दोनों बच्चों के, उस दिन तो मेरे हस्बैंड ट्राई करते हैं कि घर पे रहें, मतलब पूरी कोशिश करते कि छुट्टी वगैरह मिल जाए और घर पे ही रहें बच्चों के साथ। लेकिन एक बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लेट नाइट तक आए भी हैं, या फिर दोपहर तक आ गए और फिर रात को फिर से ड्यूटी पे, मतलब कहीं अचानक जैसे आ जाता है ना, तो वहाँ चले गए, तो ऐसा ही रहता है। और इस ब्लॉग को ना मैंने बातों बातों में पूरा भी कर दिया है, बस पता नहीं क्यों थोड़ा सा मूड अपसेट था, समझ सकते हैं आप इन चीज़ों को। चलिए ब्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और सिर्फ इस ब्लॉग में मूड थोड़ा अपसेट था, लेकिन आगे ब्लॉग्स में मूड अपसेट नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स भी बनाने हैं अच्छे। फिर थोड़ा सा चैनल को लेकर भी कभी कभी मन में आ जाता है कि समझ सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन, बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, मुझे और आप मेरे सारे ब्लॉग्स जो है वो देख पाओ। और मुझे आज मेहंदी भिगोनी है, आज सर धोना है, और शाम को देखती हूँ मेहंदी मैं लगा लूँगी। 3 घंटे ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 3 घंटे रखती हूँ, तभी भिगो दूँगी और शाम को मैं लगा लूँगी, रात को मैं सिर भी धो लूँगी। और परसों आज 26 है 27 28 28 का फिर होली का व्रत भी है, तो फिर एक दिन मैं धो के सिंपल पानी से, एक दिन मैं सरसों का तेल लगा के रखूँगी, और फिर होली वाले दिन सिर धोना ही धोना है। संडे को होली है और उस दिन दिग्वंश का बर्थडे भी है, मतलब मेरी ननंद के बेटे का यानी मेरे भांजे का जन्मदिन भी है मेरी उस दिन। चलो भाई, बाय बाय।